परी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है, ढोलकपुर राज्य के एक छोटे से गांव में श्वेता अपने परिवार के साथ रहती थी। श्वेता के माता पिता आधुनिक विचारों वाले थे। श्वेता बचपन से ही बहुत सुंदर दिखती थी। उसकी नीली आंखें और लंबे बालों को देखकर कोई भी फिदा हो जाता था। श्वेता को बचपन से ही मेकअप का बहुत शौक था। वो हर रोज अलग अलग तरीके से मेकअप करती और अपने सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करती। श्वेता के गांव में एक भी पार्लर नहीं था। श्वेता के माँ बाप श्वेता को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराने शहर भेज देते हैं। शहर में श्वेता बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से मेकअप करना सीखती है। मात्र 6 महीने में वो हेयर कटिंग, बॉडी वैक्स, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, नेल आर्ट सब सीख जाती है। श्वेता जब अपने गांव वापस आती है तो अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला करती है। श्वेता को काम को देखकर गांव के सभी लोग अब श्वेता के पार्लर से ही अपना मेकअप करवाने धीरे धीरे श्वेता के ब्यूटी पार्लर पहुंचने लगे और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। अब गांव वालों को साथ वाले गांव में मेकअप के लिए नहीं जाना पड़ता, वे सभी श्वेता से ही अपना मेकअप कराने लगे। ये सब देखकर साथ वाले गांव के पार्लर वाली श्वेता से बहुत चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब उसका पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलता था। श्वेता की मेकअप करने की कला को देखकर उसके पार्लर में दूर दूर से लोग आने लगे। श्वेता अपने मेकअप से लोगों को बहुत ही सुंदर और आकर्षित बना देती। एक दिन गांव में राज्य का एक सैनिक आकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, अगले महीने महाराजा किरोडिमल की पुत्री आकांक्षा की शादी है और उसकी शादी में मेकअप के लिए एक कुशल पार्लर वाली की जरूरत है। जो भी पार्लर वाली राजकुमारी को अपने मेकअप से संतुष्ट कर देगी उसे राजकुमारी की शादी पर मेकअप करने का शुभ अवसर मिलेगा और महाराजा उसे मुंह मांगी रकम देंगे। महाराजा का हुक्म है कि सभी पार्लर वालियों अपनी अपनी मेकअप किट के साथ कल राजमहल में उपस्थित हो। ये सब सुनकर श्वेता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कल मैं अपने मेकअप के जादू से राजकुमारी को प्रसन्न कर लूंगी और महाराज से मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अगले दिन दूर दूर के गांव से सभी पार्लर वाली महल में जमा हो जाती है। सभी एक एक करके अपने मेकअप से राजकुमारी को प्रसन्न करने की कोशिश करती है और श्वेता भी राजकुमारी का मेकअप करके राजकुमारी को खुश करने की कोशिश करती है। और राजकुमारी जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखती है वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। राजकुमारी अब पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। श्वेता, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे मेकअप करने के बाद मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। ये लो तुम्हारा इनाम और मेरी शादी में मेरा मेकअप करने जरूर आना। जी राजकुमारी जी, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं राजमहल में मेकअप करने आऊं। वही दूर खड़ी महिमा ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। पता नहीं राजकुमारी को इसके मेकअप में क्या अलग दिख गया। मुझे शादियों के मेकअप का 5 साल का तजुर्बा है और ये नई नई मेकअप करने वाली क्या मुझसे अच्छा मेकअप कर पाएगी। तभी श्वेता और सभी पार्लर वाली अपने अपने घर को चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और आज राजकुमारी का शादी का दिन होता है। श्वेता अपने मेकअप किट लेकर राजमहल की ओर जा रही होती है कि तभी रास्ते में महिमा पार्लर वाली उसे रोककर उसकी मेकअप किट नदी में फेंक देती है। ये क्या किया तुमने महिमा, अब मैं राजकुमारी का मेकअप कैसे करूँगी, वहाँ राजकुमारी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुझे राजकुमारी जी का मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं राजकुमारी का मेकअप अच्छे से कर दूंगी। और अब तो तेरे पास तेरी मेकअप किट भी नहीं है तो तू चुपचाप बैठकर यहाँ पर रो, तब तक मैं राजकुमारी का मेकअप करके महाराज से अपना इनाम लेकर आती हूँ। श्वेता वहाँ बैठकर दुखी मन से सोचने लगती है, मैंने महिमा का क्या बिगाड़ा है जो उसने मेरी मेकअप किट नदी में फेंक दी, अब मैं राजकुमारी जी का मेकअप कैसे करूंगी। वो ऐसा कहकर जोर जोर से रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक परी प्रकट होती है और कहती है, सुनो बेटा श्वेता, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, रो मत,
मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसकी मदद से तुम जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत सुंदर और आकर्षित दिखने लगेगा और इसका मेकअप कभी नहीं हटेगा और तुम्हारे मेकअप के लोग दीवाने हो जाएंगे। श्वेता परी का धन्यवाद करती है और परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। श्वेता जल्दी जल्दी राजमहल की ओर जाती है। राजमहल में वो जादुई मेकअप किट की मदद से राजकुमारी का मेकअप करती है और राजकुमारी बहुत ही सुंदर परी की तरह दिखने लग जाती है। राजकुमारी को श्वेता का मेकअप बहुत पसंद आता है। राजकुमारी खुशी खुशी शादी कर लेती है। शादी के बाद वो श्वेता को राज दरबार में बुलाती है। राजकुमारी खुश होकर श्वेता को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम के रूप में देती है और उसे हमेशा के लिए अपना मेकअप असिस्टेंट रख लेती है। श्वेता उन पैसों से एक अच्छा सा घर खरीदकर अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और एक बार फिर परी को याद करके परी का धन्यवाद देती है। वहीं दूसरे तरफ महिमा पार्लर वाली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो श्वेता से माफी मांगने उसके घर आती है। मुझे माफ कर दो श्वेता, मैंने तुम्हारी मेकअप किट नदी में फेंक दी थी और तुम्हें राजकुमारी का मेकअप करने से भी रोका। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, कृपया तुम राजकुमारी को उस दिन के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो मुझे बहुत कड़ी सजा सुनाएंगे। कोई बात नहीं मेरी दोस्त, गलती इंसान से ही होती है और गलती करके जो माफ़ी मांग ले उससे बड़ा कोई नहीं होता। मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इस तरह महिमा और श्वेता दोनों अच्छे दोस्त बन जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।